हम वो हालात साजगार करने के लिए तैयार नहीं है कि यहां दुनिया की इन्वेस्टमेंट हो। अगर ड्राइवर सिफारिश में भर्ती हो तो क्या ड्राइवर होगा? वो क्या ड्राइवर? अच्छा, मैं मुझे उन्होंने बताया कि वो ईंट ऊपर रख के ना सो जाते हैं, सो जाते हैं, तो चलता रहेगा काम। दो हजार अट्ठाईस में 2028 में दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होगी, रवायती पैमाने से मापा जाए। बाद लोग तो कहते हैं अब भी बड़ी हो चुकी है, उनके पास ही फालतू सरमाया, अमेरिका के पास तो कोई फालतू सरमाया नहीं, वो तो जवाल की तरफ गामजन है। तो इसके बाद क्या चारा रह गया? वो मैंने सोचा कि हम भी कर सकते थे चीन को आबादा बड़ी पैमाने के इन्वेस्टमेंट पे, उन्होंने ईरानियों को ऑफर की, इंडिया में कर रहे हैं और हम तो उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हमारी तो उन्हें फिक्र है और हमें उनकी फिक्र है, और हमारे यहां तो इतना बाहमी एतमाद है। मुझे याद है मरहूम फारूक गिलानी जॉइंट सेक्रेटरी होते थे फाइनेंस के, वो गए तो उनसे एक चीनी लीडर ने कहा आप हमारे लिए इतने ही अहम हैं जितना इसराइल अमेरिका के लिए इसराइल है, हम भी कर सकते थे। इकबाल का शेर है कि बुतखाने के दरवाजे पर सोता है बरहमन और तकदीर को रोता है मुसलमान तह मेहराब। तो हम वो हालात साजगार करने के लिए तैयार नहीं है कि यहां दुनिया की इन्वेस्टमेंट हो। ये टेररिज्म पे खुदा खुदा करके कुछ पेशरफ्त हुई, उसमें भी पूरी नहीं हुई, अदारे कोई तावर नहीं कर रहे सही मानों में, यानी जिस तरह की सरगर्मी एफआईए की होनी चाहिए, पुलिस की होनी चाहिए, नजर नहीं आ। अच्छा, टैक्स आप ले नहीं रहे, एफबीआर वाले नोच नोच के खून तो क्या हड्डियां भी नहीं छोड़ते, सब कुछ खा गए शायलाक की तरह, और आप उसकी इसलाह की कोई फिक्र नहीं है, बस हर वक्त लड़ने मरने के लिए तैयार है। ठीक है अरुण साहब, मुझे दो अहम सवाल आपसे करने, क्योंकि अगले हफ्ते जब हमारा प्रोग्राम दोबारा से आएगा तब तक चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो चुका होगा। अगर एक मिनट के लिए फर्ज कर लीजिए यूसुफ रजा गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, पलाव खाएंगे अहबाब फतेह होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपका ख्याल है कि गिलानी साहब, देखिए वो ठीक है जो उन्हें वजीर आजम बनाया था तो वो जरदारी साहब के इशारे अबरू पे चलते थे, वो दूसरी बात है, ठीक है, लेकिन चेयरमैन सेनेट की हैसियत से एक तो ये है कि फर्क बहुत थोड़ा है। ये जो दानिश्वर है ना, कहते हैं सदारती निजाम इस्टेब्लिशमेंट चाहती, और मुसलमानों को है ही सदारती निजाम साजगार, इनका मिजाज एक लीडर होने चाहिए, चेन ऑफ कमांड चाहते, ताकतवर लीडर चाहते। इमरान खान को अपनी खामियों सारी के बावजूद अगर ये एक सदर होता बाइख्तियार तो ये अरकान असेंबली के मरहूने मन्नत ना होता तो सिचुएशन बेहतर होती, तो कोरोना की वजह से भी खराब हुई पिछले महीने की वजह से, और ये एक मशावरत का वो निजाम भी ठीक नहीं है, और सरकारी अदारों में इतना पैसा खप जाता है, इतना पैसा खप जाता है। अभी रेलवे पे आते हैं तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि कितनी तबाही उसमें हो रही है, तो एक दिन तो इसको बदलना ही होगा। ठीक है, इंडिया चाइना पे हरुण साहब मजीद बात करेंगे या फिर मैं फिर रेलवे के हादसात की तरफ बढ़ती हूँ। पाकिस्तानियों को यह समझनी चाहिए कि चीन और भारत के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो हमारे लिए उसमें कोई खराबी नहीं है, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। चीन का देखिए, एक पहले ही जो जो वजन था हमारे पलड़े में था वो हमें ज्यादा अजीज रखते हैं, हमारे हम उनकी दोस्ती के मैार पे पूरे उतरे हैं, दरी जिसमें गहराई आई है और भी, और सी पैक के बाद तो जाहिर है, और वो मजबूत हुई, वो चीन और इंडिया के ताल्लुकात की जो तारीख है वो आसान है, कारोबार करें ठीक है, कारोबार करेंगे तो मक्का में कैद पड़ा तो रसूल्ला ने 500 इशरफियां भिजवाई थी, और नज्द के सरदार ने गालबन वही था जिसका मैंने जिक्र किया कल के, वो अपना उसने गंदम बंद कर दिया, उनका नहीं गंदम मत बंद करो, देखो कारोबार है हयात जारी रहना चाहिए, इंसानों को भूखा मरने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये कि नफरत की बुनियाद नहीं होनी चाहिए, और नफरत से तो कभी इंसानों को कुछ हासिल नहीं हुआ। चीन के इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो वो हमारे फेवर में उन्हें इस्तेमाल कर सकता है। हरुण साहब, ट्रेन के हादसात के ऊपर बात करते हैं, गाहे बगाहे बड़ी ऐसी खबरें आती हैं, मगर अब की बार जो कराची एक्सप्रेस से रिलेटेड खबर आई है वो बड़ी तकलीफ दे, हर बार तकलीफ दे होती है, मगर अब की बार तो हादसा भी बड़ा है, जख्मियों की तादाद भी ज्यादा है और तहकीकात ही बस हो रही है अभी तक। रेलवे की हालत एक ऐसे खस्ता मकान की तरह हो चुकी है
जिसको बहुत पहले उसके हाल पर छोड़ दिया गया, जिसकी कभी मरम्मत नहीं की गई। आपने गौर फरमाया कि 80% से ज्यादा, शायद 90% से ज्यादा हादसे ये सक्कर से हैदराबाद तक के जो एरिया है इस सक्कर डबीन गालबन उसको रेलवे में कहा जाता है, ट्रैक की मेंटेनेंस नहीं है, ट्रैक अपनी मुद्दत पूरी कर चुका, अब उसकी मरम्मत की किसी को फिक्र नहीं है। मैंने पूछा वो दराय कराम की कारकर्दगी के बारे में, बेयक जुबान जो अच्छे अफसर थे उन्होंने कहा, जिनकी कोई किसी से ताल्लुक नहीं है, कि अगर काम करने की कोशिश की डट के किसी ने, ख्वाजा साद रफीक ने की, मैं ढूंढता रहा, शायद वो सियासी मसरूफियत में थे, मैं उनसे पूछता कि भाई क्या है, शेख साहब तो नेम दिल्ली के साथ काम कर, मैंने तो टाइम तो शेख साहब भी देते थे, मतलब ये रेलगाड़ियां चलाते रहो, हाँ जी, सिर्फ एक हादसा नहीं हुआ, दो गाड़ियों के इंजन बंद हुए, 16 घंटे ट्रैक बंद रहा, 16 घंटे ट्रैफिक रुकी रही, ये तो अगर मगरबी मेयार से देखें तो ये तो है ही खतरे का सफर। भर्ती जो है वो सिफारिशों पे, कोई मॉनिटरिंग नहीं, अगर ड्राइवर सिफारिश पे भर्ती हो तो क्या ड्राइवर होगा, वो क्या ड्राइवर अच्छा, हो मैं, मुझे उन्होंने बताया कि वो ईंट ऊपर रख के ना सो जाते हैं, बाद चलता रहेगा काम। जिधर आज आप हैं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है,